लिए हमें लड़ना है सभी चीजों के बारे में। एक हमें लड़ना चाहिए कि अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए। देखिए भूखे प्यासे सपना से और बहुत बहुत दूर से काफी दूर से आए हैं और रात दिन बराबर मतलब जंग रैली निकालते जा रहे हैं। मतलब कोई बंदा हक के लिए लड़ा नहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अपने काम नहीं रुकने देंगे। अगर हुआ बच्चों का शोषण संग्राम नहीं रुकने देंगे। नमस्ते साथियों, मेरा नाम मानस कुमार दाई है। देखिए एक ये बाल चीज है और थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में थोड़ा आइडिया। अभी आइडिया बताएंगे बाल अधिकार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मानस कुमार दाई। देखिए बाल लेकर के इस रक्षण के कारण एक रैली निकाल रहे हैं। एक रैली निकालना भी चाहिए क्योंकि अपना एक देश है। क्योंकि जब अगला आदमी जब देश के लिए लड़ रहा है एक रैली होता है। भूखा प्यासा चल रहा है और साइकिल से चल रहा है। बताइए सतना से दूर के आए हैं, सतना से मतलब साइकिले से ले रहे हैं। क्योंकि इनका कब से रुके हो आप लोग? आप लोग कब से रुके हो यहाँ रैली निकाल रहे? ये आज कल 26 जनवरी के उत्सव मनाने के बाद ये हमारे साथी इंटर्न साथी जो भी हैं आगाज के, इन लोगों ने कल पूरी रात से टूर करके सतना से रीवा पहुंचे आज सुबह 6 बजे। और ये यहाँ पर अभी 6 बजे से हम लोग साथ में हैं, नाश्ते हुए हम लोगों के साथ में। रानी तालाब तक हम लोग गए थे रैली में से यहाँ के भी लोगों को जागरूक करने के लिए। और वहाँ से अब हम लोग अभी यहाँ पर कॉलेज चौराहे में हैं। इसके बाद हमें कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर सर को ज्ञापन देना है कि जो भी बाल यहाँ पे जो भी बाल संरक्षण के लिए लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और जो भी हमारे यहाँ पर जो टीमों की नहीं है गठन नहीं किया गया है, जैसे कि CM हेल्पलाइन मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कार्यकर्ताओं की कमी है उसको मद्देनजर रखते हुए सर को हमें ज्ञापन देना है। और बाल विभाग में जो भी मतलब बालिका और बॉयज़ और गर्ल्स को हम इक्वलिटी की बातें करते हैं और वहाँ पर जब एज देखें हम तो गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स रखते हैं और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स रखते हैं। तो वो भी कुछ हम लोग चाहते हैं कि वो 21 ईयर्स ही होनी चाहिए गर्ल्स के लिए भी। तो इसके लिए भी हमें ज्ञापन देना है। और बाल लैंगिक शोषण होते हैं, जैसे कि बाल आधारित हिंसाएँ मतलब लिंग आधारित जो भी हिंसाएँ की जाती हैं उसके भी विरुद्ध में हमारा एजेंडा रहा है कि हम उसके विरुद्ध। देखिए एक हमारे के हिंदुस्तान है क्योंकि हमारे एक बाल संरक्षण है। क्योंकि जब हित के लिए हमें लड़ना है सभी चीजों के बारे में। एक हमें लड़ना चाहिए कि अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए। देखिए भूखे प्यासे सपना से और बहुत बहुत दूर से काफी दूर से आए हैं और रात दिन बराबर मतलब जंग रैली निकालते जा रहे हैं। मतलब कोई बंदा हक के लिए लड़ा नहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अपने होना भी चाहिए। और मैं पूछता हूँ कि आप बताओ काम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार साकेत है। मुकेश कुमार जी, कहाँ से आए हुआ? सपना से। और मैं डिग्री कॉलेज का स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक हूँ जी। और हम लोग यहाँ सपना से और रीवा तक हम लोग साइकिल रैली निकाले, जिसमें हमारा मुख है कि बाल विवाह रोकना और बाल मजदूरी रोकना जी। देखिए इन्होंने मजदूरी रोकना सारी चीजें नहीं बताया क्योंकि हमारे बाल संरक्षण है। क्योंकि एक हमारा एक समाज के जरिया होता है। क्योंकि एक हमारा एक समाज एक परिवार है। क्योंकि एक देश का हमारे विकास होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की हर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक हर चीजों का रैली होती भी है। क्योंकि एक संरक्षण जब इन लोग हित के लिए लड़ रहे हैं तो जरूरी भी है। और मैं पूछता हूँ इनसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रसाद साकेत है। हम लोग सतना से लेकर रीवा तक के लिए साइकिल रैली यात्रा निकाले हैं, जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि जो बाल मजदूरी है उसे रोकी जाए। और जो कि बाल जैसे कि दुकानों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं उनको काम करने से रोका जाए और उन्हें एक अच्छी शिक्षा देने के लिए पूरा प्रयास किया जाए। क्योंकि अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे काम करते हैं उनको रोका जाए क्योंकि हर जगह मतलब काम न करे, क्योंकि उनके हित के लिए लड़ा जाए। क्योंकि अलग देश है और प्रशासन को करना भी चाहिए। कोई कलेक्टर हो या SP हो, पुलिस हो या प्रशासन हो, इन सारी चीजों को अगर जो बंदा जब हित के लिए लड़ा हुआ है, इसको खून पसीना से साइकिल से चला चला करके बंदा हित के लिए रह